हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती 2024 की फुल डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, अग्निवीर के तहत आपको यहां पर भारतीय वायुसेना में जो वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। यानी कि आप इस वैकेंसी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एज क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आने वाली सारी अपडेट्स आपको सही समय पर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन आपको यहां पर जारी किया गया है मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए, जिसमें अग्निवीर इनटेक 01/2025 के लिए यहां पर रहने वाला है। अग्निपथ स्कीम के तहत ये वैकेंसी करवाई जा रही है, जिसमें आपके यहां पर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन 17 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2024 तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो एग्जाम है 17 मार्च 2024 को आपको यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसमें बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसमें कौन कौन सा पद आपको यहाँ पर निकाला गया है। तो पहला पद है आपको यहाँ पर फायर के अंतर्गत रहने वाला है, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपेरेंट्स के अंदर रहने वाला है, और मेरिटी ऑन मेरिटी के अंतर्गत यहाँ पर रहने वाला है। तीन पोस्ट आपको यहाँ पर जारी की गई है, ठीक है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो वीडियो को कम्प्लीट देखेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले आपके यहाँ पर जो वैकेंसीज जारी की गई है, इसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो आपको बताएं 17 मार्च 2024 से आपको यहाँ पर इसके जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, और इसका जो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होंगे उसको यहाँ पर ऑफिसर पायलट अग्निवीर नेविगेटर्स और एयरमैन का आपको यहाँ पर पोस्ट दी गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, तो अप्लाई करेंगे आपको यहाँ पर अग्निपथ वायु .cadt ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जिससे आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई का आपको यहाँ पर जैसे 17 जनवरी से आपके यहाँ पर जो है फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, 6 फरवरी तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एज कितनी होनी चाहिए, 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में आपका जन्म हुआ है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज आपको यहाँ पर 21 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरिटियल स्टेटस में आपको यहाँ पर देखते हैं ओनली अनमेरिड, यानी कि अनमेरिड कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों, ठीक है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, आपकी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर देखते हैं इंटरमीडिएट 10+2 इक्वल इकोनॉमिक्स, यानी कि 12वीं पास आपको यहाँ पर होनी चाहिए मैथमेटिक्स फिजिक्स इंग्लिश के साथ, ठीक है। आपको सेंटर या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी 50% पास आपके यहाँ पर होने चाहिए, 50% इंग्लिश के साथ होनी चाहिए। यदि क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको यहाँ पर 3 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो 50% के साथ या फिर इंग्लिश में 50% होना अनिवार्य है, ठीक है। और यदि क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आपको 2 ईयर्स का वेकेशनल कोर्स होना चाहिए नॉन वेकेशनल सब्जेक्ट वीआईज फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ 50% में, और इंग्लिश में 50% होना चाहिए, तब तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीन क्वालिफिकेशन है, तीनों में से एक क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है जो कि अदर देन जो सोशल जो साइंस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं उसकी भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन जारी की गई है, जो कि 10+2 के साथ आपको यहाँ पर देख सकते हैं 50% के साथ आपको यहाँ पर होनी चाहिए और 50% इंग्लिश में होना चाहिए। जिन्होंने साइंस में ले रखा है वो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसके बाद आपके 0.01% भी कम है तो भी आपका नहीं चलेगा, बिल्कुल 50% है तो 50% होना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट है जिसमें आपकी हाइट पूछा गया है कि आपको जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें आपको यहाँ पर मेल कैंडिडेट का हाइट 52.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का आपका हाइट 52 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो उत्तराखंड वाली जो कैंडिडेट है उनके लिए 147 सेंटीमीटर मांगा गया है, और इसके बाद हाइट आपको यहाँ पर 150 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। इसके बाद वेट कितना होना चाहिए, तो वेट के बारे में इसको यहाँ पर नहीं बताया गया है, वेट इसमें नहीं रहने वाला है, ठीक है। चेस्ट मेल कैंडिडेट का रहने वाला है जो कि आपको यहाँ पर देखते हैं 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और पुलाना आपको 5 सेंटीमीटर है। फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर जो है सीना नहीं होता है, ठीक है। अगर जो फीमेल को भी ओ वाई गुड, इसमें भी आपको 5 सेंटीमीटर तक आपको यहाँ पर मिनिमम एक्सपेंस 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को अपना सीना पुलाना होगा, ठीक है। हेयरिंग की डिटेल्स आपको यहाँ पर दे रही है कि आपको यहाँ पर सुनने में अच्छी होनी चाहिए, डिस्टेंट और डेंटल की जानकारी भी आपको यहाँ पर दी गई है, गुड होना चाहिए, 14 डेंटल पॉइंट्स आपको यहाँ पर आना अनिवार्य है। विजुअल स्टैंडर्ड में आपको यहाँ पर आंखों का देख रखाव किस तरह का होना चाहिए, विजुअल एक्चुअली आपको यहाँ पर 6x12 इंची आई का होना चाहिए,
करेक्ट टेबल आपको यहाँ पर 6 बाई इंच का आपको यहाँ पे इंच का आई होना चाहिए, ठीक है, अच्छा दिखा, अच्छा वाला आपको यहाँ पर दिखना चाहिए, ठीक है। और हाइपर आई हाइपर मेट्रोपोलिया जो कि प्लस 2.0 आपका होना अनिवार्य है, माई प्योर 1D होना चाहिए इंक्लूडेड, आपको यहाँ पर प्लस माइनस आपको यहाँ पर होने वाले 0.50D एस्टिमेट, ये जो इसे आप शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर जो आपका जो है आंखों की जांच होंगी तो उसमें ये सब आपके आना अनिवार्य है, यदि नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। कलर विजन आपको यहाँ पर सीवी सेकंड होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपको शुगर भी नहीं होना चाहिए, जनरल है तो आपके यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और एग्जामिनेशन फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर दे सकते हैं, एग्जामिनेशन आपको यहाँ पर जेंटल या ऑफिस कहीं भी आपको यहाँ पर एग्जाम हो सकता है आउटसाइड के लिए, ठीक है। और यदि आपके शरीर में कोई भी बॉडी टैटू है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। टर्म कंडीशन आपको यहाँ पर दी गई है, पीरियड कितने साल का रहने वाला है, 4 साल की आपको यहाँ पर वैकेंसी होने वाली है, जो कि अग्निवीर के तहत यह भी वैकेंसी होती है, आपको पता होगा, ठीक है। आपके यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का आपको यहाँ पर नोटिस दिया जाएगा, ट्रेनिंग आपके यहाँ पर होने वाली है, लीव की आपको यहाँ पर छुट्टी भी दी जाएगी, एनुअल 1 साल में 30 दिन की आपको यहाँ पर छुट्टी दी जाएगी, आपको यहाँ पर स्टेक लीव की आपको यहाँ पर दी गई है, मेडिकल की भी आपको यहाँ पर छुट्टी दी जाएगी, ठीक है। और इसके बाद मेडिकल सीडी फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, पे अलाउंस और इलेंस का बेनिफिट है वो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अग्निवीर पैकेज आपको यहाँ पर 30,000 रुपये पर मंथ के आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, जो कि फिक्स रहने वाला है 1 ईयर का, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर रेस का हार्ड डिस्क जो अलाउंस मिलने वाले हैं वो सभी आपको अलग से उपलब्ध करवाए जाएंगे। ट्रेनिंग का बेनिफिट आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, सेवा निधि पैकेज की आपको यहाँ पर मिलने वाली है, जिसकी भी जानकारी आपको दी गई है, 1 साल में 30,000, सेकंड में आपको यहाँ पर 33, थर्ड में 36,500 और चौथे साल में 40,000 का पैकेज आपको यहाँ पर मिलने वाला है 1 साल का, ठीक है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। और इसके बाद आपको यहाँ पर दे सकते हैं, जो अब आप रिटायर्ड हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पर दिया जाएगा रिटायरमेंट के लिए, ठीक है। तो आफ्टर 4 साल बाद आपको यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे तो 10.4 लाख सेवा निधि के हिसाब से आपको यहाँ पर ये दिए जाएंगे, ठीक है। कि आप जब रिटायर होकर घर पर आएंगे तब आपको 10 लाख तक का आपको पैकेज दिया जाएगा। और यदि आपको डेथ हो जाती है उसका इंश्योरेंस की जानकारी भी आपको यहाँ 48 लाख तक का आपको यहाँ पर इंश्योरेंस होता है इसमें। और अग्निवीर के स्किल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और इसके बाद नोट इंटायर ESM का जो स्टेटस है उसके सेम स्कीम के तहत तो आपको यहाँ पर जो एक सर्विसमैन की जो स्टेटस है उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। यदि आपके कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन है इसके अलावा, जैसे मोटर मैकेनिक व्हीकल ड्राइवर मेंटेनर की वगैरह वगैरह आपके पास क्वालिफिकेशन है तो वो भी उसकी भी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को वेरीफाई किया जाएगा, वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है कि आपका जो फिजिकल टेस्ट है उसी समय ही आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने वाला है, तो आपको ओरिजिनल आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपको यहाँ पर लेकर जाने हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल के बारे में, तो फिजिकल का भी आपको अलग से एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी किया जाएगा फेज वन फेज सेकंड के लिए, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट फेज वन फेज सेकंड में पास हो जाएंगे तो उसके लिए यहाँ पर फिजिकल एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी किया जाएगा। तो उसमें आपको यहाँ पर क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर
चलते ही 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको यहाँ पर रहने वाली है पेज सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी मेल कैंडिडेट को, फीमेल को 8 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। और यहाँ